गोवा के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जंगल में आग लग गई। आग लगने से करीब 5 एकड़ जंगल पूरी तरह जलकर खाक हो गया। मौके पर वन विभाग की टीम पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हालांकि आग लगने के कारणों का अब तक पता नहीं चल पाया है। तो तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं, बगहा में जो टाइगर रिजर्व है वहां पर आग लग गई है। फिलहाल आग लगने का कारण अब तक नहीं पता चल पाया है और करीब 5 एकड़ जंगल जो है इस आग के कारण पूरी तरह जलकर राख हो गया है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता बगहा से राकेश जुड़ चुके हैं। राकेश, बगहा टाइगर रिजर्व में इतनी भीषण आग लग गई है, करीबन 5 एकड़ जो जंगल है पूरी तरह जलकर खाक हो गया है। आग लगने का कारण क्या कुछ है, वो क्या अब तक सामने पता चल पाया है कि आग किस वजह से लगी है वहां पे? जी बता दें कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के जंगल में भीषण आग से लगभग 5 एकड़ जो जंगल था वो जला हुआ है। जो छोटे छोटे जो झाड़ियां थे वो पूरी तरह से जल गए हैं। और बता दें कि आग लगने का कारण अभी तो वन विभाग अभी इसका खुलासा नहीं कर पाया है, लेकिन अभी गर्मी शुरू नहीं हुआ है और जो आग से बचाने के लिए कवायद वन विभाग ने पूरी तरह से घोषणा कर देता कि आग से पूरे जंगल को बचाने की कवायद कर दी गई है। आग लगने पर तुरंत फायर ब्रिगेड की टीम जो है तुरंत आग पर काबू पा लिया जाएगा, लेकिन ये सब देखा जाए तो सब हवा हवाई साबित हो रहा है। और सरकार का हर साल करोड़ों की बजट होती है जंगल को बचाने के लिए, जंगल को सुरक्षित करने के लिए, जानवरों को सुरक्षित करने के लिए, लेकिन ये सब खिचड़ी दिख रही है। यहाँ कोई तैयारी नहीं दिख रही है। जब हर साल जब गर्मी के समय आता है, जब गर्मी बढ़ती है तो जंगल में आग लगता है और आग लगता है और जंगल नष्ट होता है, लेकिन हर साल विभागीय आदेश होता है कि जंगल को बचाने के लिए फायर ब्रिगेड की टीम बना ली गई है, फायर लाइन बनाया जा रहा है, इस तरह तमाम तरह की घोषणाएं की जाती है, लेकिन जब गर्मी दिन आती है तो जंगल में आग लगता है और जंगल को नुकसान होता है। तो पूरे तरह से देखा जाए तो वन विभाग के जो कर्मी है, कर्मचारी है, अधिकारी है, पूरे तरह से बेलापरवाह है। अगर वो लोग मुस्तैद रहते तो किसी तरह से जंगल में आग नहीं लगता। जो उनके फायर वाचक है और जो टाइगर चेकर है, जो जंगल के गार्ड है, वो पूरे तरह से जंगल में मुस्तैद नहीं रहते, ड्यूटी नहीं करते। अगर इसे अगर ऐसे मुस्तैद रहते तो आग नहीं लग पाता। आग लगने का कोई कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन 5 एकड़ जंगल जड़ कर नष्ट हो गया है और आप गर्मी के समय आ गया, अब आए दिन जगह जगह आग लगेंगे और इस तरह की कोई तैयारी नहीं किया गया, इस तरह कोई व्यवस्था नहीं की है। सिर्फ हवाबाजी और कागज में इसकी घोषणा की जाती है कि तैयारी पूरी तरह से है और जंगल को बचाने के और जंगल के जानवरों को और जंगल को सुरक्षित रखा जाएगा। आग लगने के बाद जंगली जानवर जो है वो अब पूरी तरह से भयभीत हो जाते हैं और इधर उधर चहलकदमी उनकी बढ़ जाती है, ग्रामीण इलाकों में उनकी चहलकदमी बढ़ जाती है कि आए दिन में अभी एक सप्ताह पूर्व जो बाघ ने आकर अभी दोनहा रेंज में 2 लोगों को घायल कर दिया, जिसके कारण लोगों की मौत हो गई थी। 2 दाम्पत्ति थे जो अपने खेत की रखवाली कर रहे थे। बहुत महत्वपूर्ण बात है राकेश, ये बड़ी अच्छी बात आपने कही कि जब जंगलों में आग लगती है तो जानवर जो है वो डर से भागते हैं और फिर आसपास के जो ग्रामीण इलाके होते हैं जहां उन्हें लगता है कि वहां संरक्षण मिल सकता है वहां जाते हैं, लेकिन वैसी परिस्थिति में जब इंसानों से उनका सामना होता है तो वैसे में इंसान को तो नुकसान पहुंचाते ही हैं, साथ ही साथ फसलों को भी नुकसान पहुंचाते हैं। ये वाल्मीकि टाइगर रिजर्व संरक्षित क्षेत्र है और एक धरोहर है बिहार के लिए और सटा हुआ है नेपाल से और उत्तर प्रदेश के की सीमा से सटा हुआ है। ये एक ड्रीम प्रोजेक्ट भी कह सकते हैं जिसको लेकर नीतीश कुमार सीएम है यहाँ के, वो हमेशा कहते रहे हैं कि इनकी हमेशा अभिलाषा रही है कि इसको हम बेहतर कर सकें ताकि लोग यहाँ पर्यटक ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आ सके। बावजूद इसके लगभग हर साल इस तरह की घटना सामने आ जाती है कि जब जंगल में आग लगने की घटना सामने आती है। दूसरी बात यह है कि एक बड़ा इलाका, ये छोटा इलाका नहीं है, 5 एकड़ जंगल जल जाना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। क्या जानवरों की कैजुअल्टी की भी कोई खबर आई है सामने? जी अभी आग से किसी तरह के जानवर पर कोई असर नहीं पड़ा है, लेकिन जो जंगली जानवर है आग लगने के बाद वो जंगल के इलाके को छोड़कर रियायती इलाके में जाते हैं और किसानों का फसल नुकसान होता है और उसमें लोगों के साथ कैजुअल्टी हो जाती है। अभी हाँ, अभी एक सप्ताह पूर्व एक 2 दंपति को बाघ ने मार दिया था और जो भी और जानवर हैं, जो जंगली जानवर हैं, जो ग्रामीण इलाकों में जाते हैं, आए दिन रिहायशी इलाकों में जंगली जानवर निकलते हैं और जिसमें कुछ जंगली जानवर भी हताहत होते हैं, कुछ लोग हताहत होता है, लोग की फसल नुकसान होती है और पूरे तरह से इलाके के लोग भयभीत हो जाते हैं।
तो देखा जाए तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के जो अधिकारी हैं, और ये बिहार का इकलौता वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है जहां बाघों को संरक्षित किया जाता है, और यहां आए दिन बताया जा रहा है कि जंगली जानवरों की संख्या बढ़ रही है। तो फिर जंगल को सुरक्षित नहीं रखा जाएगा तो जो जानवर है वह बिल्कुल जो रिहायशी इलाके में जाएंगे, और या तो जानवर को नुकसान पहुंचेगा या स्थानीय लोग उनको नुकसान पहुंचेगा। ये पूरे वाल्मीकि टाइगर रिजर्व को पर्यटन के रूप में विकसित किया जा रहा है। नीतीश कुमार का पूरे तरह से जो मुख्यमंत्री है वो चाह रहे ज्यादा से ज्यादा लोग वाल्मीकि टाइगर रिजर्व देखने जाए, घूमने जाए, और तमाम तरह की कवायद की जा रही है ताकि यह विकसित रूप में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व को विकसित किया जाए, वाल्मीकि नगर को पर्यटन स्थल पर विकसित किया जाए। लेकिन अगर बेलापरवाह जो जंग अधिकारी है वन विभाग के, अगर वो मुस्तैद नहीं रहेंगे, जो वन कर्मी मुस्तैद नहीं रहेंगे, तो बिल्कुल ये जो धरोहर है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व एक दिन समाप्त हो जाएगा। बता दें कि कुछ जंगली जंगल के इलाके हैं जो तस्करों से नुकसान पहुंचता है, आए दिन जो लकड़ी के तस्कर आए दिन पेड़ों को काटते हैं, कुछ नुकसान आग से होता है। तो इस तरह से देखा जाए जो जंगली जानवरों का सुरक्षित रखने वाला जो जगह है वो पूरे तरह से नष्ट हो जाएंगे। है राकेश, सही कहा आपने, ये जांच का विषय है कि आखिर किस वजह से आग लगी वहां पर और क्या कुछ परिस्थितियां रही कि जिस वजह से इतना बड़ा इलाका जंगल का जो है वो खाक हो गया। बहरहाल इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, नजर बनाए रखें, आपसे फिर हम अपडेट के लिए आपसे जुड़ेंगे।